हेलो बच्चों। तो यार आज अपन बात कर रहे हैं आइस सर के बारे में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, जिसको आई सर बोलते हैं। इंडिया के अंदर ऑल टोटल 7 आई सर है, जिसके अंदर है आई सर बेरमपुर, आई सर भोपाल, आई सर कोलकाता, आई सर मोहाली, आई सर पुणे, आई सर तिरुवनंतपुरम और आई सर तिरुपति। ठीक है, मतलब बहुत 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 ही, अगर अपन बात करें तो ये इंस्टीट्यूट जिसको इसके अंदर BSMS प्रोग्राम मिला है, तो वो जस्ट उसकी लाइफ तो जस्ट लाइक इमेजिन भी करना मुश्किल है। ठीक है, इसके अंदर एडमिशन लेने के आपके पास 3 फॉर्मेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल है KVPY, जिसको हम बोलते हैं किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास हो सकता है JEE एडवांस, जिसके अंदर आपकी अगर अच्छी रैंक आ रही है तो आप उससे टारगेट कर सकते हो आई सर को। और थर्ड आपके पास ऑप्शन होता है SCB टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया? तो यार ये वो टेस्ट होता है जिसके जरिए जो ये है आई सर है, ये हर बार जितने भी सारे बोर्ड्स होते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट बोर्ड है 12th बोर्ड, ठीक है, उसके जिसे SCB बोलते हैं। ठीक है, SCB, ठीक है, तो वो क्या होता है कि इसमें जितने भी बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं वो जस्ट मार्क्स निकालते हैं कुछ, कि ये बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, उसका कुछ कट ऑफ होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान के लिए मान लो कि एटलीस्ट 84 कट ऑफ रख दिया। ठीक है, तो जिन बच्चों के 84 से ऊपर है ना, 84 से लेकर 90, 100, 99, 100 तक, ठीक है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, उसके SCB टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि इस SCB टेस्ट को दे सकते हैं। जस्ट लाइक मान सकते हो कि JEE एडवांस एग्जाम, SCB टेस्ट को JEE एडवांस मान लो कि वो बच्चे दे सकते हैं जिनके 84+ परसेंटाइल है। ऐसे हर बोर्ड के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखते हैं। जैसे बिहार है, झारखंड है, इधर परसेंटेज बहुत कम आते हैं बच्चों के, तो इनकी कट ऑफ कम रखते हैं ये लोग। ठीक है, तो इस प्रकार 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, KVPY, JEE एडवांस और SCB टेस्ट, जिसके जरिए आप आई सर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब अभी क्या प्रोसेस चल रहा है भैया आज तक का? तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दे रखी है यार। तो यहाँ पे आप देख लो कि जो भी इसकी सीट अलॉटमेंट है KVPY और जो जी एडवांस है, उसकी जो 18 अक्टूबर दे रखा है इसने, ठीक है, 18 अक्टूबर को अलॉटमेंट होगा फर्स्ट राउंड का। ठीक है, और जो SCB टेस्ट है उसका अलॉटमेंट जो है 25 अक्टूबर को होगा। ठीक है, और जस्ट जो भी रिस्पॉन्स है IIT ये जस्ट पहले हो चुका है। ठीक है, और यार अगर आपको इसके अंदर एडमिशन मिलता है तो आपकी जस्ट बहुत बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मतलब ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास BSMS कोर्स को करने की। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है MSc और जो दोनों ड्यूअल डिग्री कोर्सेस हैं, तो इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स दे रखे हैं। ठीक है, सभी के पास सारे प्रोग्राम नहीं है, अलग अलग के पास अलग अलग कोर्सेस हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा कोर्स है। देखो, BS प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग साइंस एंड इकोनॉमिक्स ओनली एट आई सर भोपाल। ठीक है, यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल है वो है बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, इकोनॉमिक साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एंड जियोलॉजिकल साइंस इंटीग्रेटेड, एंड ये जितने भी मैथमेटिकल है, डाटा साइंस है, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है यार तुम्हारे पास। अगर जैसे JEE एडवांस में अच्छे मार्क्स आए, तुमने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, जिन बच्चों को पता नहीं है वो जस्ट सिंपली गूगल या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आई सर के बारे में। ठीक है, इंडिया के कुल टोटल 7 आई सर भी है। ठीक है, और जस्ट इसके रिगार्डिंग यार यूट्यूब चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी डिटेल कंटेंट जो है यहाँ के जो भी बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट अभी 1-2 महीने के अंदर डाल देंगे। ठीक है, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में बता पाऊँ या फिर मेरे को सभी की इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो आई सर्च के अंदर भी बहुत सारे पढ़ रहे हैं बच्चे जो कि डाल सकते हैं इस चैनल पे कंटेंट। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गेट द नॉलेज रिगार्डिंग इंटेंसिव, एंड यार तुम लोगों को एडमिशन मिल सकता है आसानी से। ठीक है, और इसके जस्ट जो भी जो भी बच्चे अभी 11th 12th के अंदर है वो जो सभी से टारगेट कर सकते हैं KVPY, आई सर्स, NISER, आई सर, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है यार। जिन बच्चों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा ही होता है कि IIT होता है बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाइसर भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है हमारे देश का।
ठीक है। आईसर भी हमारे इंडिया का बहुत अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है इसे, ठीक है। आईसर की अगर मैं बात करूँ, जिन बच्चों को आईसर के अंदर एडमिशन मिलता है तो उनका डायरेक्टली कोलेबरेशन होता है हमारे देश के पीएमओ प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी से, वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। उनका डायरेक्टली वहाँ पर विजिट भी करते हैं वो लोग, ठीक है, जो हमारा रिसर्च सेंटर है, ठीक है, न्यूक्लियर। ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच। और यार एडमिशन के रिगार्डिंग कोई क्वारी हो नाइसर के बारे में तो नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड मोमेंट पे लास्ट में एडमिशन सपोर्ट राउंड, अगर तुम्हारे कम मार्क्स भी अगर तुमने अप्लाई कर रखा है तो हो जाता आसानी से, ठीक है बच्चा पार्टी। ओके थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई होप सब्सक्राइब तो तुमने कर ही लिया होगा। थैंक यू।